नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बंगाल टी के तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की और आज के दिन के पहले मुकाबले की जो यहां पे खेला जाएगा टीम एस आई बी वर्सेस टी एस पी डी के बीच में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको वन स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड कराऊंगा इसके अलावा दोस्तों दो ग्रां लीग की टीम भी प्रोवाइड कराऊंगा और हाँ दोस्तों साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों टीम्स के प्लेयर्स ने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्म किया है उनके स्टैट्स क्या हैं जिनके बेसिस पे आप लोग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर पाएंगे स्मॉल लीग और ग्रां लीग के पिक्स को डिफरेंट कर पाएंगे और साथ में काफ़ी एक अच्छा टीम भी बना पाएंगे तो इसीलिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं या फिर कुछ अर्न करना चाहते हैं तो बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी हंड्रेड परसेंट विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी के समय हमारे चैनल पर आठ हज़ार से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो बात की जाए सबसे पहले टीम एस आई बी की तो टूर्नामेंट की एक स्ट्रॉन्ग टीम में से इनको गिना जा रहा है क्योंकि चार मैच खेले हैं चारों के चारों मैच जीते इन्होंने इनकी ओर से आपको ऋषभ अग्रवाल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने पहले मैच में सत्ताईस रन दूसरे मैच में अड़तालीस रन और दो ओवर की बॉलिंग की विकेट निकाला तीसरे मैच में बल्ले से रन नहीं बने लेकिन तीन ओवर की बॉलिंग करके तीन विकेट निकाले और चौथे मुकाबले में शानदार तिहत्तर रनों की पारी खेली इनका दोस्तों क्या है ये कभी बॉलिंग करेंगे कभी नहीं करेंगे लेकिन आपको ये बैटिंग काफी अच्छी करके देंगे और ओपन करते हुए नजर आएंगे अब बात करूं दोस्तों यहाँ पर मैं राम ठाकुर की पहले मैच में प्रॉपर चार ओवर का बॉलिंग स्पेल कराया एक विकेट निकाला दूसरे मैच में तीन ओवर की बॉलिंग कराई दो विकेट निकाले तीसरे मुकाबले में तीन ओवर की बॉलिंग की इनको विकेट नहीं मिले चौथे मुकाबले में तीन ओवर की बॉलिंग करके दो विकेट निकाले यहाँ पर रन तो नहीं बने पर देखिए विकेट दो निकाले इन्होंने नवांकर घोष की बात की जाए तो पहले मैच में तेईस दूसरे मैच में एक तीसरे मैच में जीरो और चौथे मैच में सोलह रन बनाए दिव्य ज्योति घोष की मैं बात करूं तो दो मुकाबले तो ये नॉट प्लेयर है तीसरा मुकाबला जीरो चौथे मुकाबले में सत्तावन रन नाबाद बना के आ रहे हैं और एक मैच विनिंग नॉक खेल के आ रहे हैं मिथिलेश दास जो कि अपनी टीम के कैप्टन है इनका भी दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लास्ट मैच में तीन ओवर की बॉलिंग की है पांच विकेट निकाले और एक रन बनाए उससे पहले भी इन्होंने हर एक मैच में प्रॉपर चार चार ओवर का बॉलिंग स्पेल कराया है अपनी टीम का मेन बॉलर है डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग कराता हुआ नजर आ जाएगा आयमान सिंह की मैं बात करूं तो पहले मैच में पंद्रह दूसरे मैच में तीन तीसरे मैच में सोलह और चौथा मैच नॉट प्ले जावेद आलम की मैं बात करूं जो कि इनके विकेट कीपर हैं पहले मैच में दो रन दूसरे मैच में चार रन तीसरे मैच में नौ रन हरितर सिंह की मैं बात करूं दोस्तों तो पहले मैच में चार ओवर की बॉलिंग करके दो विकेट निकाले दूसरे मैच में चार ओवर की बॉलिंग करके एक विकेट निकाला तीसरे मैच में भी चार ओवर की बॉलिंग की यहाँ पर भी इनको दो विकेट मिले और चौथे मैच में भी इन्होंने तीन ओवर की बॉलिंग की यहाँ पर भी इनको दोस्तों विकेट्स मिले हैं विजय शर्मा की मैं बात करूं तो इन्होंने भी तीनों मैचे में प्रॉपर बॉलिंग की लास्ट मैच में सिर्फ दो ओवर की बॉलिंग की है और इससे पहले जिन भी मैचेस में बॉलिंग की है वहां पर इनको विकेट्स मिले हैं अनिक नंदी की मैं बात करूं तो पहले मैच में चार ओवर की बॉलिंग है तीन विकेट है दूसरे मैच में तीन ओवर की बॉलिंग है एक रन है तीसरे मैच में दो ओवर की बॉलिंग है रन एक भी नहीं है चौथे मैच में तीन ओवर की बॉलिंग है विकेट नहीं है लेकिन चौबीस रन जरूर अपनी टीम के लिए इन्होंने किए हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आएंगे ऋषभ अग्रवाल दूसरी इंपॉर्टेंट पिक के राम ठाकुर तीसरी इंपॉर्टेंट पिक के मिथिलेश दास चौथी इंपॉर्टेंट पिक के हरितंदर सिंह और लास्ट की अगर मैं पिक की बात करूं तो यहां पर हैं दोस्तों अनिक नंदी तो इनकी ओर से देखा जाए तो पाँच ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आज आपकी टीम में पिक होना जरूरी ही जरूरी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों एस टीम की तो इन्होंने देखी अपने तीन मैच खेले जिसमें से एक जीते हैं एक हारे हैं और एक मैच इनका बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है तो उनकी ओर से आपको सौम्य दास प्ले करते हुए नजर आएंगे पहला मैच नॉट प्लेयर है दूसरे मैच में चौतीस रन मृन्मो नायक की मैं बात करूँ तो पहले मैच में तीन रन दूसरे मैच में चौबीस रन इमरान अली मोहनताल की मैं बात करूँ तो पहले मैच में तीन रन दूसरे मैच में सोलह रन दीप चतर्जी जो कि मेरी टीम के कैप्टन है पहले मैच में पच्चीस रन दूसरे मैच में पंद्रह रन कौशिक गिरी की मैं बात करूँ तो पहले मैच में बारह रन दूसरे मैच में देखिए चार ओवर की प्रॉपर बॉलिंग है दो विकेट है और इकतालीस रन इनके नाम है सुप्रिया सिल्क की मैं बात करूं तो पहले मैच में तो एक दुसे मैं दुसे मैं मैच रन दूसरे मैच में जीरो रन सौरभ मुंदाल की मैं बात करूँ लेफ्ट एंड बैट्समैन है लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग कराएंगे पहले मैच में देखिए तीन ओवर की बॉलिंग की जहाँ पर दो रन बनाए विकेट नहीं मिला दूसरे मुकाबले में चार ओवर की बॉलिंग की यहाँ पर इनको विकेट नहीं मिला चंदर सिंह की मैं बात करूं जो कि एक राइट एंड बैट्समैन है पहले मैच में एक ओवर की, की बॉलिंग के विकेट लेते हैं पाँच रन बनाए दूसरे मैच में दो ओवर की बॉलिंग करके विकेट निकाले हैं जितेंद्र शाह की बात की जाए लेफ्ट एंड बैट्समैन है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं पहले मैच में तीन ओवर की बॉलिंग करके विकेट दूसरे मैच में चार ओवर की बॉलिंग करके ए विकेट एम डी नौशाद सगीर की बात की जाए तो पहले मैच में दो ओवर की बॉलिंग की है जहाँ पर इनको विकेट नहीं मिले हैं दूसरे मुकाबले में दो ओवर की बॉलिंग की है जहाँ पर इनको विकेट नहीं मिले हैं तो यहाँ पे देखा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे टीम एस की ओर से वो देखिए आपके लिए सोम्य दास हो सकते हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करेंगे इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे कोसी गिरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग करके देने वाले हैं सौरभ मंदाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे चंदन सिंह को पिक करना चाह कर सकते हो बाकी जितेंद्र साह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे तो एस की ओर से अगर बात की जाए तो चार ऐसे प्लेयर्स है जो आज आपकी टीम में पिक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगी होगी जो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर नॉलेज दी होगी वो भी आपके काफ़ी काम आगे आएगी और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई हो और आपने अगर अभी तक वीडियो को देखा हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर देना क्योंकि आपको एक लाइक करने में एक सेकेंड से भी कम समय लगेगा पर आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑल भी प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों आगे आपको वीडियो में ऐसे ही बने रहना क्योंकि आपको यहाँ पर एक स्मॉल इक्की टीम में प्रोवाइड कराऊंगा उसके अलावा मैं आपको दो ग्रां लिख की टीम भी प्रोवाइड कराऊंगा तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ सबसे पहले एप की ओर जहाँ पर मैं आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ तो सबसे पहले बात की जाए विकेट कीपिंग सेक्शन की तो चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं तो इनमें से देखिए आपके लिए सुप्रिया सील ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि जय आलम का इतना रोल यहाँ पर रहा नहीं है पहले मैं आपको दोस्तों स्मॉल की टीम प्रोवाइड कराऊंगा उसके बाद दोस्तों मैं आपको दो ग्रां की टीम प्रोवाइड कराऊंगा तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्मॉल लीग की टीम से तो स्मॉल लीग की टीम में आपके लिए सुप्रिया सील एक इंपॉर्टेंट चॉइस है क्योंकि इनसे बेहतर प्लेयर अभी तक यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से कोई नहीं है जी आलम को पिक करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन इनका दिक्कत है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आएंगे सुप्रिया सुल आपको जो है वो टॉप ऑर्डर के अंदर से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे बैटिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ए साहब के लिए इंपॉर्टेंट है दूसरी पे की दोस्तों यहाँ पर आपके लिए डी घोष की हो सकती है लास्ट मैच में मैंने आपको बताया है ना किस तरीके का परफॉर्म करके आ रहे हैं और तीसरी पी कि की यहाँ पे राम ठाकुर की रहेगी क्योंकि सीधे सीधे ये आपको चार ओवर या तीन ओवर की बॉलिंग स्पेल करके दे देंगे जहाँ पर इनको विकेट्स मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट मैन बैट्समैन थे उनको मैंने दोस्तों सेलेक्ट कर लिया है ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर के गिरी इंपॉर्टेंट है बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे आर अग्रवाल इंपॉर्टेंट है बाकी दोस्तों एस दे काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं इनको भी करना जरूरी है इसके अलावा मैं हतिंदर सिंह को भी करूँगा ए नंदी को अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एच सिंह की जगह पर भी कर सकते हो क्योंकि ए नंदी जो है वो अपनी टीम के मेन प्लेयर लेकिन ए नंदी के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि किसी मैच इनको दो ओवर की बॉलिंग मिली है किसी मैच में तीन ओवर की मिली है या किसी मैच में प्रॉपर मिली है तो आप लोग यहाँ पर अगर अनिक नंदी को पिक करना चाहते हो तो एस दे की जगह पर ले सकते हो लेकिन ये तो आपको काम तब करना है जब यहाँ पे ए नंदी की टीम पहले गेंदबाजी करती है यानी एस आई बी की टीम पहले गेंदबाजी करे तब आपको यहाँ पर ए नंदी को पिक करना है अदरवाइज आपको अपनी टीम में एस दे को पिक करके चलना पड़ेगा बॉलिंग की बात की जाए तो मितेश दास से इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई नहीं है जैसा इंपॉर्टेंट रहेंगे लास्ट विक की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों बी शर्मा जो कि विकेट टेकर बॉलर हैं और हर एक मैच में आपको विकेट्स निकाल कर दे देते हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार सा कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे तैयार किया है एस की ओर से हमने दोस्तों सात प्लेयर्स को पिक किया है और एस की ओर से सिर्फ मैंने चार प्लेयर्स को पिक किया है कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ दोस्तों तो मैंने यहाँ पे वन विकेट कीपर थ्री बैट्समैन फोर ऑलराउंडर्स थ्री बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है टीम रिव्यू की मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पे देखिए तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से सुप्रिया सील को एज अ विकेट कीपर पिक करके रखा है जो कि अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे बैटिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर मैंने आर अमन साह को रखा है जो कि काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी करते आए हैं डी घोस को रखा है इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे आर ठाकुर को रखा है जो कि मेरी टीम के एक काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं पूरे प्रॉपर बॉलिंग का कोटा अपना पूरा करते हैं और वहाँ पर आपको चार या तीन ओवर का गेंदबाजी करके दे देते हैं इसके अलावा के गिरी इंपॉर्टेंट रहेंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे इस डेव इंपॉर्टेंट रहेंगे बाकी हितिंदर सिंह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकते हैं और आर अग्रवाल भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकते हैं गेंदबाजी की मैं बात करूं तो जय साहब के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बी शर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और मिथिलेश दास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे तो स्मॉल लिख की टीम में अगर बात की जाए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की किस प्लेयर को कैप्टन एंड किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाएं तो कैप्टन की जो सबसे बेहतर पिक रहेगी वो दोस्तों आर अग्रवाल की रहेगी वाइस कैप्टन आपके लिए यहाँ पर अहमदाद से बेहतर कोई चॉइस नहीं रहेगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एस की टीम ने चार मुकाबले खेले और चारों के चारों मुकाबले जीते हैं जबकि यहाँ पे जो टीम एस पी टी एस ने तीन मुकाबले खेले एक हारी है एक जीती है और एक इनका रद्द किया गया है तो अभी के लिए एस आई वी की ही टीम बेहतर रहेगी तो यहाँ पर मैं अपनी टीम जो है वो सेव कर देता हूँ आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीन शॉट ले लें ले, इसका प्रिव्यू ले लें ले ले और इस टीम को जाकर सेव कर लेना क्योंकि इस टीम से दोस्तों आपको क्या करना है स्ट्रॉलिख के कॉन्टेक्ट ज्वाइन करें जिस भी अप्लीकेशन पर आप लोग प्ले करते हो ना वहाँ पर जाकर इस टीम को ज़रूर सेव कर लेना ताकि लास्ट मिनट में अगर मैं आपको अपडेट दे पाऊँ तो अब आपको एडिट या टीम को एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए अब बात कर लेते हैं अपनी दोस्तों सेकंड जीएल टीम की तो सेकंड जीएल टीम में दोस्तों शायद मैं यहाँ पर एक चेंज करूँगा कि अपनी टीम में मैं ए शाह की जगह पर ए सिंह को भी कर लूँ क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चेंज और हो सकता है कि मैं डी घोष की जगह पर यहाँ पर किसको पिक कर लूँ यहाँ पर डी चटर्जी को जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं बाकी अलाउंड सेक्शन से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक रिस्क लेके देने वाला हूँ कि मैं एच सिंह की जगह पर मैं अनिक नंदी को पिक करूँगा गेंदबाजी से दोस्तों आपको कोई भी चेंज नहीं करने यहाँ पर कैप्टन देखिए मेरे कौन से प्लेस रहेंगे कैप्टन यहाँ पर दोस्तों मैं जाने वाला हूँ एस डेग के साथ और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं अनिक नंदी को बनाऊंगा तो यहाँ पर देखिए एस डे दे भी काफी अच्छे प्लेयर है मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करेंगे प्रॉपर बॉलिंग कराएंगे अनिक नंदी भी काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं तो ये दोस्तों मेरी पहली ग्रांड लीग की टीम है कुछ डिफरेंट मैंने ट्राई किया इस टीम के साथ तो आप चाहें तो इसको स्मॉल लीग के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं बाकी अभी के लिए तो ये मेरी दोस्तों पहली जीएल टीम रहने वाली है आप अब लोग इसका भी स्क्रीन शॉट इसका भी प्रिव्यू ले लीजिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकेंड जीएल टीम की तो सेकेंड जीएल टीम में दोस्तों मेरा मेन फोकस यहां पे रहने वाला है किन के ऊपर बॉलर्स के ऊपर तो देखिए यहां पर ये टीम तो मैं रेडी है आप चाहो तो यहाँ पर सिंग वगैरह को ट्राई कर सकते हो मैं इसी टीम के साथ जाऊंगा यहाँ पर मैं सिर्फ एक चेंज करूँगा मैं डी चितेजी की जगह पर यहाँ पर किसको मैं पिक करूँगा करूँगा डी घोष को इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से कोई भी चेंज आपको नहीं करना है मैं ऐसा कोई भी चेंज आपके लिए नहीं करूँगा जिससे आपकी जो टीम है वो विनिंग जोन के बाहर चली जाए मुझे आपकी टीम को विनिंग जोन के ऊपर ले जाना है काफी अच्छी रैंक पर ले जाना है तो यहाँ भी देखिए मैं कैप्टन रखूँगा एम दास को क्योंकि अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो एम दास को काफ़ी विकेट्स मिलेंगे चांसेस रहेंगे और वाइस कैप्टन हमारे दोस्तों यहाँ पर आर अग्रवाल हो सकते हैं फिर अनिक नंदी को भी आप बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स अपनी टीम के लिए डेथ में बॉलिंग लेकर आ सकते हैं और वहाँ पर ये विकेट निकाल कर आपको दे सकते हैं

बाकी दोस्तों अगर हमारी इन इन टीम्स में कोई भी अपडेट होती है लाइने पर टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी हंड्रेड परसेंट विनिंग टीम होगी ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अभी के समय हमारे चैनल पर आपको बता देते हैं आठ हज़ार से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहें तो हमारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा तो किसी भी जगह से जाकर आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो फटाफट फड़ से वीडियो को लाइक करिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट फड़ से चैनल को सब्सक्राइब करिए पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑल पे प्रेस करिए ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम